नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो देखिए, आज का यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप सभी छात्रों को दो बड़ी अपडेट देनी थी। अब एक जो अपडेट है वो तो है, आप सभी को पता है कि आपकी सेकंड लिस्ट को लेकर आए, और दो दूसरी अपडेट है वो है, चलिए एक बार मैं आप सभी छात्रों को नज़र डलवा देता हूँ उसके ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो DLED 2022 के स्टूडेंट है, यानी कि जो BSTC के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर पूरक परीक्षा 14 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो रही है। 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। देखिए, वीडियो को छोड़कर मत चले जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी छात्रों के लिए। पूरक परीक्षा का मतलब काफी छात्र नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं, पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री जो आपके एग्जाम रहते हैं उनको लेकर है। अब यहां पर देख सकते हो, 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। परीक्षा में राज्य भर से करीब 1500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब देखो, काफी ऐसा नहीं है कि देखो, अगर आप अभी जैसे BSTC कर रहे हो, तो अगर आप BSTC कर रहे हो तो आपके एग्जाम में आपकी सप्लीमेंट्री भी आएंगे, काफी छात्रों के बैक भी लगेगी, तो वो चीजें भी क्लियर करनी होगी। इसलिए ये चीजें आपको मैं पहले भी बता रहा हूं कि ऐसे भी आपके लिए टाइम टेबल जारी होगा। अब उसके बाद में आपकी सेकंड लिस्ट को लेकर भी मैं बात करने वाला हूं। साथ में जो टाइम रहेगा वो देख सकते हो कि 10 से 2 पर 1 बजे तक, और दूसरी पारी का जो टाइम रहेगा 2 से शाम 5 बजे तक आपका रहने वाला है। 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी, यानी कि जो पंजीयक संजय सेंगर ने बताया कि क्रियात्मक परीक्षा 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अब देखो, मैं आपको क्या बोलूं, देखो अगर आप भी लगातार कमेंट करते हो, इसी वजह से वीडियो बनाना पड़ता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि सर, जैसे अभी सेकंड लिस्ट है वो आई नहीं है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो। तो देखिए, आप सभी के कमेंट आते हैं तो आपको बताना भी जरूरी है। अभी जैसे कि मैंने नोटिस ओपन भी कर रखा है, नोटिस में भी आप क्लियरली देख सकते हो अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी हुआ है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, जैसे 4 कैंडिडेट की जगह, क्योंकि मैं बार बार साइट को विजिट कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे हो रही है क्योंकि मुझे आपको बताना भी है, तो ये चीजें मुझे पहले से पता होना नेसेसरी है या पता होना जरूरी है, तो मैं बार बार विजिट कर रहा हूं। अभी देखो, ये लास्ट नोटिफिकेशन आपका वो ही था कि जिसमें 6 तारीख आपकी जो जिसमें रिपोर्टिंग को लेकर लास्ट डेट आपकी 6 फरवरी दी गई थी। अब आप सभी छात्रों को पता है कि आज आपकी 11 फरवरी हो चुकी है, और मैंने हर वीडियो में आपको बोलते आ रहा हूं कि 15 फरवरी से पहले पहले, वैसे तो मैंने आपको एप्रोक्स बताया था कि 11 या 12 फरवरी को जारी हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो अनुमानित डेट देखे तो मुझे लग रहा है कि 15 फरवरी से पहले पहले ही आपको जो अपना सेकंड लिस्ट है ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसका हो जाएगा, या सेकंड लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, जो कि वेबसाइट आप यहां पर देख सकते हो। साथ ही मैं दो चीजें क्लियर कर रहा हूं कि एक तो आपकी जो सेकंड लिस्ट है, और साथ में जो आपका अपवार्ड का रिजल्ट है, यानी जो आपकी फर्स्ट लिस्ट है उसका जो अपवार्ड का रिजल्ट है और सेकंड लिस्ट है, ये दोनों एक साथ जारी होंगे। ये देखो, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक साथ ही ये जारी होंगे, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। पीटीटी में भी ऐसा ही हुआ है, और यहां पर BSTC में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। फॉर कॉलेज की जगह आपकी जब लिस्ट जारी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्जामिनेशन में देख सकते हो, ये शेड्यूल वैसे भी चेंज हुआ है। जैसे कि 24 जनवरी संस्थान में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि, यानी कि ये जो पहले डेट थी इसको बढ़ाकर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पहले की डेट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इन पर तो इनको तो आपको एक तरीके से इग्नोर करना है। अब यहाँ पर कट ऑफ को लेकर मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया था कि जनरल के लिए आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो जैसे 385 के अप्रोक्स रहने वाली है, OBC के लिए 380 मान लीजिए, MBC का क्लियर नहीं बोल सकते, साथ में जो EWS के स्टूडेंट है उनका भी 380 के लगभग ही कट ऑफ आपकी सेकंड लिस्ट में रहेगी। आपको पता है 4500 कुछ सीटें आपकी बची हुई है, मतलब कि 21,000 सीटों पर आपका एडमिशन हो चुका है, और अभी भी कुछ स्टूडेंट यहां पर बच रहे हैं, यानी कि 4500 के लगभग आपकी सीटें बच रही है 25,820 सीटों में से, ठीक है। और आपको एक चीज और बोल देता हूं कि सेकंड लिस्ट का भी अपवार्ड होने वाला है, जल्दी आपके लिए अपडेट आ जाएगी। और देखो, इसमें जो एक तरीके से यहाँ पर लापरवाही हो रही है, जितना देरी से यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी हो रही है उतना ही देरी से आपका सेशन स्टार्ट होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जितना ज़्यादा लेट आपका सेशन स्टार्ट होगा उतना ही बैड इफेक्ट आप सभी छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ने वाला है, ठीक है। सेशन लेट होने से वो स्टूडेंट ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। देखो, कुछ छात्र आप में से ऐसे भी रहेंगे जो ग्रेजुएशन करेंगे, और वो ग्रेजुएशन जैसे ऑनलाइन या एक तरीके से जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट रहते हैं, जैसे नॉन कॉलेज से जैसे BA कर ली, BSc कर ली, BCom, BBA, BCA कर लिया, तो वो नॉन कॉलेज भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी ये शेड्यूल रहता है, एक साथ दो दो डिग्रियां भी उनकी चलती है, ठीक है।
बाकी आपका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो आपकी लिस्ट को लेकर ही बनेगा, क्योंकि मुझे आपको अपडेट देनी थी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो तो आपके लिए ये थी कि पूरक परीक्षा आपकी स्टार्ट हो रही है, जो कि मैंने टेलीग्राम पर आप सभी छात्रों को दे दी है। बाकी आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है, देखो आप भी बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर जो लिस्ट है सेकेंड लिस्ट वो इस डेट तक आ सकती है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना, और अगर कमेंट करते हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना जिससे उनको भी ये चीजें पता लग सके। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी कमेंट करना है एक बार करके निकल जाना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।